जैन अनुष्ठान चैनल को सब्सक्राइब करें। जैन धर्म की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। प्रतिदिन हम नई नई वीडियो के माध्यम से ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। 2018 पूरे ब्रह्मांड के सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का मंगल हो। मीन राशि के जातकों के लिए हमने काफ़ी सारे गुरु भगवंतों के पास से कुछ रिसर्च करके बातें तैयार की गई है कि मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनको खास ये 2018 का साल बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको उनकी जो उम्मीद है उनके हितामिता भी कि उनको परिणाम मिलने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य के अंदर बहुत ही उनको तकलीफ पड़ने वाली है। अक्टूबर महीने के बाद बहुत बड़ी गंभीर समस्या मीन राशि वाले को प्राप्त होगी। साथ साथ में उनको उनकी चाल के अंदर बदलाव जो हो रहे हैं उनके कारण उनके काम पर के ऊपर दबाव बढ़ेगा। इस वजह से उनको थकान है, मानसिक तनाव है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। फिटनेस के अंदर उनको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये पूरा साल यदि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो इनकी असर काफ़ी लंबे समय तक, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि पेट की तकलीफ बढ़ने वाली है। मीन के राशि वाले जितने भी जातक है उनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मनचाहा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। सफल भी होंगे और अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी उनकी उम्मीद से ज़्यादा उनको लाभ मिलने वाला। लोग तो बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको सतर्क रहना है, क्योंकि उनका जो क्रोध है इनके ऊपर यदि उन्होंने काबू नहीं पाया तो बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। 2018 के अंदर बहुत खूबसूरत उनको रिजल्ट प्राप्त होगा, उनके साथ में उनको जबरदस्त सपोर्ट भी अलग अलग लोगों से प्राप्त होगा। जनवरी के फरवरी के महीने में अंदर आपको बहुत सारी चुनौतियाँ अनधारी आफतों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ा निवेश करने से कोई भी जगह पे पैसे रोक रहे तो बिल्कुल न रोके। विदेश यात्रा का योग है, खास करके वैवाहिक जीवन के अंदर आनंद से पार्टनर के साथ खूब समय प्रदान करें। साथ साथ में जीवन साथी के साथ में जो भी उनको खुशी मिले ऐसे कार्य करें, क्योंकि वो बिगड़े हुए काम में भी आपको सपोर्ट करने वाले। ग्रहों के हिसाब से भी जितना ज़्यादा आप समय परिवार को देंगे आपके जीवन के अंदर धार्मिक भावनाओं में आपका मन बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिकता में आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, आपके परिवार की ओर से कोई बहुत बड़ा धार्मिक कार्य संपन्न होने का चांसेस भी है। साथ साथ में देखा जाए कि प्रेम संबंध के अंदर बताया जाए कि ये समय थोड़ा सा आपको दूसरे को देने का जरूरत है। पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिगाड़े, पुराने विवादों को भूल जाए। यदि आप इस समय नहीं देंगे तो पुराने विवाद भी जागृत होने के चांसेस है। बच्चों की जो शिक्षा और दीक्षा है वो खास ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी तूफान मस्ती शरारतों के कारण रिजल्ट नीचे आ सकते हैं। साथ साथ में विद्यार्थियों को जो पढ़ाई के अंदर ध्यान दे रहे हैं, जिनको विदेश जाना है उनको बहुत सोच समझ करके, क्योंकि समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है। शॉर्टकट रास्ता कोई भी ना अपनाए, इनसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खास करके आदिनाथ भगवान की भक्ति करें, अष्टगंध का तिलक करें, गुरुवार को उपवास करें। ये पूरा साल आपके लिए सेहत के लिए बहुत कम अनुकूल है। जितना ज़्यादा उपवास की आराधना करें और खास करके पानी का दान करें, प्याऊ बनाए, जो भी गरीब लोग हैं उनको पानी दें। ये सारी चीज़ें करते करते मीन राशि के जितने भी जातक है वो जबरदस्त ऊंचाइयों को प्राप्त करें, परिवार को खूब प्रेम करें। मैरिज जीवन जिनके अधूरे हैं वो भी इस समय आप प्रयत्न कर सकते हो, और आदिनाथ भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना, अष्टगंध का प्रयोग करके। और भी यदि आपके जीवन में मीन राशि वालों को कोई भी तकलीफ है, ज़रूर आप हमारी संस्थान का संपर्क करें।